फाइन, इन आर लास्ट वीडियो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कस करने वाले। जनरली क्वेश्चन जो होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही आता है। हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का थोड़ा बहुत बात करेंगे, हम लोग ऐसे लास्ट वाले वीडियो में बात किए तो थोड़ा बहुत, पर और भी डिस्कशन करना बनता है, ठीक है भाई। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आर डिस्कशन फॉर द डे, फॉर द वीडियो, राइट। शुरुआत करते हैं। पहला बात, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग अपने सामने तीन तरह का कंडीशन रख के रखें। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ चार्ज रेस्ट पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है चार्ज में वेलोसिटी है बट परपेंडिकुलर भी प्रोजेक्ट किया गया है, और यहाँ पर हम लोग बनाए नहीं है, यहाँ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को कोई भी एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, सम थीटा। तीन केस बोर्ड पर, ये थीटा ऐसा भी सकता है, ये थीटा हो सकता है कि हम लोग इस पार्टिकल को कुछ इस तरह प्रोजेक्ट करें, पॉसिबल है, एंड मेनी मोर केस कैन बी डन, राइट। हो सकता है हम लोग इसको जीरो पे प्रोजेक्ट करें, एनीथिंग एल्स कैन बी डन, कोई भी तरह का प्रोजेक्शन हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है। एल्स एंड 90 का बात करें, बिकॉज 90 यहाँ बात के लिए बचाओ वहाँ बात करेंगे, ठीक है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक चार्ज है तो इस पर एक फोर्स तो कन्फर्म लग रहा है। क्या लग रहा है? वो यूनिफॉर्म का प्रेजेंटेशन समय आया ना, लास्ट टाइम लोग लास्ट वाले वीडियो में प्रेजेंटेशन देखे थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, इक्वी स्पेस्ड हो और पैरेलल लाइंस हो, स्ट्रेट लाइंस हो, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वो इधर भी होगा, वो इधर भी होगा, और जितना मैग्नीट्यूड इधर होगा उतना इधर होगा, बिकॉज स्पेसिंग नहीं बदल रहा है। स्पेसिंग ज़्यादा होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना, स्पेसिंग कम होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होना, बात कर चुके हैं, ओके। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, चार्ज भी इधर, और ये प्लस चार्ज है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी क्यूई, वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी क्यूई, तो एफ इज इक्वल टू क्यूई, दिस इज द फोर्स, राइट। एंड सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? क्यूई बाई एम, दिस इज द एक्सेलरेशन। क्यों ना इस केस को, और ये दिख रहा है क्यू ई और एम, ई तो कॉन्स्टेंट है और क्यू एम तो कॉन्स्टेंट होगा फॉर गिवन चार्ज पार्टिकल, है ना, मास चार्ज तो बदल नहीं रहा है, क्यों ना हम लोग इसको कंपेयर करें एक फ्री फॉलिंग बॉडी से। अगर यहां ग्रेविटी है तो बॉल को अगर रिलीज किया जाए स्पीड जीरो से तो बॉल कैसे मूव करता? अलोंग दिस लाइन मूव करता, राइट। कुछ वैसा ही डिस्कशन यहां पर हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल यहां पर रखा हुआ है, तो इस पर एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा है। यहां पे क्या होता है? नीचे तरफ फोर्स काम कर रहा था, कितना फोर्स था? एम जी। हाँ, यहां पे क्या फोर्स था? तरफ क्यू ई। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एम जी बाई एम, तो बचा जी। यहां पे क्या हुआ? क्यू ई बाई एम, तो यहां पे क्यू और एम नहीं कटे, वहां पे एम और एम बोल के कट गया था। तो एक तरीके जैसे यहां पे ग्रेविटी है, यहां पे क्यू ई बाई एम है, राइट। जैसे यहां पे ग्रेविटी है वहां पे क्यू ई बाई एम है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल दिस सिनेरियो, यही एक्सेलरेशन रहेगा इन ऑल दिस सिनेरियो, यही रहेगा ना, ई बदल रहा है ना क्यू बदल रहा है, एम बदल रहा है, और अगर ये यूनिफॉर्म है तो डायरेक्शन बदल ही नहीं रहा है, ऐसी बात क्लियर है ना। अब कोई बोले पाथ कैसा होगा? यहाँ पाथ कैसा था? स्ट्रेट लाइन, है ना, पार्टिकल सीधा ही जाएगा, तो यहाँ भी पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा? ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, राइट। नेक्स्ट, और क्या सीखने को मिलता है यहाँ पे? और एक चीज सीखने को मिलता है, कोई अगर बोले कि भाई कितनी देर में ये पार्टिकल कहीं से कहीं चला जाएगा, तो जैसे हम लोग यहां पे लगा देते हैं ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गिवेन द s और हाइट ऑफ द बिल्डिंग यू कैन फाइंड द टाइम। तो u तो क्या पे जीरो है, तो 2s बाई a का रूट ओवर एस टी। यहां पे भी अगर हम लोग बता दें चार्ज पार्टिकल कहीं से कहीं पहुंचा, ये s बता दिया रहे, तो a क्या यहां पुट करना है? क्यू ई बाई एम, और s बता दिया होगा, यहां से टाइम निकाल लोगे। तो करना क्या है, सीखने को क्या मिला यहां से? ऑलवेज यूज द एनालॉगी विथ फ्री फॉल बॉडीज। ये जो यूनिफॉर्म ग्रेविटी में जब भी कोई बॉडी गिरता है ना, फ्री फॉलिंग जो होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, उससे कंपेयर कर लो। जो लॉजिक यहां लगते थे वही लॉजिक यहां पे लगाना है, ठीक है। पाथ यहां पे स्ट्रेट लाइन था, यहां पे पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे यहां सॉल्व करते थे कितने देर में पार्टिकल नीचे पहुंचेगा, यहां मान लो क्वेश्चन पूछा कितने देर में पार्टिकल कहीं से कहीं पहुंचेगा, तो एस बता दिया होगा, अपने को ए पता है, पोटेंशियल से टी निकाल लेंगे। कोई बोले कुछ देर बाद इसका स्पीड जब यहां पहुंचे तो स्पीड कितना होगा, तो वी इज टू यूज क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। यहां पे वही करेंगे कि पार्टिकल कहीं पहुंचा, व्हाट इज द स्पीड हियर? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। यू यहां पे भी जीरो, यू यहां पे भी जीरो, तो जैसे लगा देते ना वाला वी इक्वल टू रूट ओवर 2s, ऐसा अगर बता दिया गया है और a पता ही है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v, एंड सो ऑन। इस तरीके से वी कैन यूज दिस टू फाइंड दिस, राइट। और बात करते हैं इस बारे में
पर अगला क्वेश्चन पहले कर लें, अगला एक और केस कर लें, फिर उस पर आते हैं। नाउ चार्ज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली टू फील्ड। अब इसको कंपेयर किससे करें, मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये पार्टिकल को इस तरह प्रोजेक्ट किया गया और यहाँ ग्रेविटी इस तरफ है। आई होप सबको याद होगा, दिस वॉज द केस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। पार्टिकल इस तरह का पाथ फॉलो करता था, याद है? दिस वॉज द पाथ फॉलोड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक तरीके से यहां भी कैसा पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह का। शेप का नाम क्या याला? पैराबोलिक। शेप का नाम क्या याला? पैराबोलिक। तो जब पार्टिकल का वेलोसिटी और ग्रेविटी परपेंडिकुलर था तो पैराबोलिक कन्फर्म था। यहाँ पे एक तरह से वही है ना, ये एक तरह से क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? क्यू ई बाय एम, राइट। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल ग्रेविटी की तरफ मुड़ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ रहा है। तो कोई पूछे व्हाट इज द पाथ, शेप ऑफ द पाथ, इट इज पैराबोलिक पाथ, राइट, इट इज पैराबोलिक पाथ। हम लोग आगे इस बारे में और बात करें तो पैराबोलिक पाथ पहले क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करते थे, याद करो, हम लोग को जब भी बोलता था कि भाई कि पार्टिकल को इस स्पीड से फेंका जाए ताकि जस्ट वो इधर तक पहुंच जाओ, ये लेंथ बता दिया रहे अगर, तो हम लोग सॉल्व करते थे मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D का कॉन्सेप्ट से। ये कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स में सिखाए जाते हैं, जिनका नहीं किया हुआ एक बार वीडियोस देख लेना, हम लोग आने वाले दिनों में इस पर बात करने वाले हैं। मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करते थे। अगर अपने को बिल्डिंग का हाइट बता दिया रहे तो अपने टाइम निकालें किस टाइम में नीचे पहुंचेगा। हम लोग बोलते हैं ये वाला मोशन होना इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी या बिकॉज ऑफ वाई मोशन, वाई कोऑर्डिनेट, और ये मोशन होना बिकॉज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। दोनों को इंडिविजुअली काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई टू वर्क दिस आउट। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो व्हाट इज द स्पीड अलोंग एक्स, यू एक्स कितना है, यू है। व्हाट इज यू वाई, जीरो दिया हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज ए एक्स कितना है, जीरो। अलोंग एक्स तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं यहाँ पर। व्हाट इज ए वाई, ग्रेविटी। व्हाट इज एस एक्स, मान लो निकालने बोला गया है, या फिर एस एक्स मान लो तो निकालने बोला गया, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर निकालने बोल दिया है और अपने को एस वाई पता है, मान लो एस वाई क्या है, कोई एच, ठीक है। तो इधर में इन तीन इक्वेशन हम लोग टाइम निकाल लेंगे, टाइम कितना होगा भाई, जैसे यहाँ पे निकाले थे रूट ओवर 2h बाई जी, और जिस टाइम में ये पार्टिकल नीचे पहुंचा उस टाइम वो आगे भी बढ़ा। भाई नीचे पहुंचना वाई मोशन का कारण, आगे बढ़ना एक्स मोशन का कारण। तो व्हाट इज एस एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स टी। यहाँ पर यू अगर मेरे को बताया हुआ है और टी पता है, तो यहाँ से एस एक्स निकल आएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये भी सॉल्व करना आ जाएगा। इस क्वेश्चन में यही दिया होगा, वापस मान लेते हैं कि भाई एक पार्टिकल यहाँ पे कहीं स्ट्राइक करेगा, ये लेंथ कितना होगा, कोई ये निकालने बोल दिया, अगर ये कितना आगे बढ़ गया, गिवन दिस लेंथ इज नोन टू अस। जैसे यहाँ पे ये हाइट पता था, यहाँ पे ये लेंथ पता होगा, और जैसे यहाँ पे ये निकालने बोला है, वैसे यहाँ पे ये निकालने मान लो बोल दिया गया, तो वी कैन इजीली फाइंड दिस, और जो भी सबसेट क्वेश्चन हो सकता है देखेंगे इसका, ठीक है। अगेन एनालॉगी, राइट। अब यहाँ पे किसे एनालॉगस होगा, ये अगर एक बिल्डिंग है, ये एक पार्टिकल है, अगर इसको अपने एक एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह, दिख रहा है ग्रेविटी नीचे तरफ है, तो पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, थोड़ा सा और शार्प पैराबोलिक है ना, सही पैराबोला में इस तरह पाथ लिया, ये थोड़ा शार्प लेगा इस तरह। वापस यहाँ पे भी सॉल्व कैसे करेंगे, अलोंग एक्स अगर मान लेते हैं ये थीटा है, व्हाट इज दिस, यू साइन थीटा। व्हाट इज दिस, यू कॉस थीटा। तो यू साइन यू कॉस, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। वापस ऐसे करेंगे, एक्स और वाई लिखेंगे इस बार, यू एक्स में क्या है, यू साइन, यू वाई में क्या है, यू कॉस, ए एक्स क्या है, वापस जीरो, ए वाई क्या है, जी, एस एक्स क्या है, मान लो निकालने बोला और एस वाई अपने को पता है, तो इस तरह से वापस अपने इसको भी सॉल्व करेंगे। पाथ ये भी लगभग क्या है, पैराबोलिक ही है, ठीक है। अब वो यहाँ पे थीटा अगर जीरो होता, मान लेते पार्टिकल को हम लोग इस तरह ही फेंकते, तो पार्टिकल यही सेम स्ट्रेट लाइन फॉलो करता, मेंटेन करता, जैसे यहाँ पे होता कि अगर पार्टिकल हम सीधा जमीन की तरफ फेंकते तो पार्टिकल सीधा चला जाता। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी या फिर एक बॉडी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ टावर और फ्रॉम अ बिल्डिंग कोई भी एंगल पर, ठीक है। अब उस पर एक एप्लीकेशन क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, एक एप्लीकेशन क्वेश्चन है। हम लोग यही पार्ट को थोड़ा सा वाइप ऑफ करते हैं, ज़्यादा जगह नहीं लेंगे, ठीक है, इसी पार्ट को थोड़ा वाइप ऑफ करके देखते हैं। अगर अपने इसको बोल दें x और इसको बोल दें, नीचे को भाई बोले, चलो नीचे को भाई बोल देते हैं। सवाल है
ये स्पीड कितना होना चाहिए, क्वेश्चन है ये स्पीड कितना होना चाहिए ताकि ये जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू और मास एम दिया हुआ है, कोई भी पार्टिकल है, ये प्रोटॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मान लो कोई क्यू एम दिया हुआ है, ये स्पीड कितना होना चाहिए ताकि ये पार्टिकल जस्ट प्लेट को टच किए बिना बाहर निकल जाए, मतलब दिस शुड बी दी पाथ, जस्ट टच किए बिना, जस्ट बिना टच किए निकल जाए। तो एक तरीके से अगर बोला जाए तो ये क्या हुआ x, तो अगर हम लिखें यहाँ पे ये x और ये y है, तो वॉट इज़ यू एक्स ये निकालना है एक्चुअली, वॉट इज़ यू वाई, जीरो, बिकॉज फेंका गया इस तरह और y की तरफ कोई भी इनिशियल स्पीड दिया नहीं गया, फेंका तो अलॉन्ग x गया है। वॉट इज ए एक्स, वॉट इज ए एक्स अलॉन्ग x, जीरो। वॉट इज ए वाई, जी, यहाँ पे g कौन है, क्यू ई वाई एम है ना, ए वाई क्या है इधर की तरफ, ये मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है। याद रखना एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल रादर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उसका प्रेजेंटेशन याद करो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से रेडियली एमिनेट कर रहे थे, इस तरह रेडियली एमिनेट कर रहे थे, विच वॉज शोइंग कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी ज़्यादा पर यहाँ पे कम है, इम्प्लाइज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम है। तो कभी भी पॉइंट चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, केक्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला पे देख के भी समझ सकते हो, पर ये इस तरह के प्लेट्स लिए जाते हैं टू क्रिएट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लो इसका स्ट्रेंथ है कोई ई, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन है, क्यू ई बाई एम, ठीक है। व्हाट इज द एस वाई टू बी ट्रेवल्ड, डी बाई टू, अगर ये पूरा डी है कितना ट्रेवल करना है पे, डी बाई टू, और एस एक्स कितना है यहाँ पे, एल। तो पहले तो इस वाले से इन तीनों में तीन वेरिएबल नोन है, तो अपने यहाँ से टाइम निकालते हैं इस वाले से और उसको यहाँ पुट करके यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ तक में। हम लोग बोर्ड का ये पार्ट थोड़ा सा साफ कर देते हैं बिकॉज इस पार्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन है, पार्ट बी जो है ना, पार्ट बी का जो कॉन्सेप्ट था वो पार्ट बी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो पहले वाई वाला पार्ट करते हैं, तो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना है, डी वाई टू, यू वाई कितना है, जीरो, हाफ ए वाई कितना है, क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, राइट, हाफ ए टी स्क्वायर, टू टू कट गया, टी विल बी इक्वल्स टू एम डी बाई क्यू ई का रूट ओवर, राइट। इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल लॉन्ग एक्स, व्हाट इज एस वाई, व्हाट इज एस एक्स रादर, व्हाट इज एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस जीरो, बिकॉज अलॉन्ग एक्स एक्सेलरेशन इज जीरो, निकालना है क्या अपने को यू एक्स, तो एस एक्स कितना है, एल, टी कितना है, रूट ओवर एम डी बाई क्यू ई इक्वल्स टू यू एक्स, इसको लिख देते हैं रूट ओवर क्यू ई बाई एम डी इन टू एल इज इक्वल्स टू यू एक्स, दिस इज द स्पीड, यही स्पीड से इसको फेंकना था अलॉन्ग एक्स, ठीक है भाई, रिपीट करके देख लो, ये अलॉन्ग एक्स या अलॉन्ग वाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, अलॉन्ग वाई स्पीड नहीं दिया बिकॉज फेंका ही गया इसको हॉरिजॉन्टली, सवाल है ये हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना होगा ताकि वो जस्ट बिना टच के प्लेट को निकल जाए, तो इसका मतलब अपने को पता है कि यू एक्स है सिर्फ, यू वाई है ही नहीं, यू वाई मतलब जीरो डाल दिए, अलॉन्ग वाई एक्सेलरेशन, अगर इसको वाई बोलते हैं, क्यू ई बाई एम कितना ट्रेवल करना है, डी बाई टू, एस एक्स कितना है, एल, यहाँ से सॉल्व करेंगे जितने देर में ये मोशन होगा उतने देर में ये मोशन भी होगा, दोनों एक संग हो रहा है, तो यहाँ से टाइम निकाल के एस एक्स में पुट करके सॉल्व कर लिए, देख लो भाई, ठीक है। सो मैं, तो दिस इज द केस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा बात है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो जनरली क्वेश्चंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर ज़्यादा रहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म पर थोड़ा क्वेश्चन कम ही रहता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में हम लोग और बात करेंगे, पर एक बस इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, ठीक है, ये एक टाइप हुआ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस करके क्वेश्चन, मैन इस तरह का कॉन्सेप्ट जो एनालॉगी हम लोग कर रहे हैं ज़रूर ये दिमाग में रखो, बहुत काम का ये चीज़ है, ठीक है। इट कुड बी लाइक ये चार्ज पार्टिकल कोई एक एंगल पर फेंकता हूँ, ठीक है, और बोलते कि भाई किस तरह फेंकेंगे ताकि बिना टच के ये निकल आए इधर, तो अपने को रेंज पता है, मान लो यहीं से यहीं निकल रहा है अगर पार्टिकल इस तरह जस्ट बिना टच के बाहर निकल जाए, तो ये स्पीड और ये एंगल क्या होगा वगैरह वगैरह सवाल अगर होता, तो एक तरह से हम लोग का एच मैक्स दिया हुआ है, मतलब समझ आ रहा है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि ये चार्ज पार्टिकल है और ये प्लस माइनस इस तरह, चलो इधर से नहीं फेंकते, इधर से फेंकते हैं, ये कोई एंगल थीटा है, ये टच नहीं कर रहा है, जस्ट टच के बिना रह जा रहा है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम इशू है देख लो भाई, जस्ट टच के बिना निकल जा रहा है, ये कोई एंगल थीटा, ये कोई यू है, ये कोई एल है, ये डी है,
ठीक है, मान लो अपने को बोल दिया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा ताकि इस तरह ही निकल पाए, और फाइंड द वैल्यू ऑफ यू गिवन थीटा ताकि इस तरह निकल आए. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ से मान लो बोल देता है यू गिवन थीटा एल एंड डी ताकि पार्टिकल इस तरह का पाथ जस्ट फॉलो करे. ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हो सकता है. तो ये सारे, और यहाँ पे गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई. मान लेते हैं यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है. मान लेते हैं जैसे यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस था, यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी फ्री था. यू शुड ट्राई दिस योर सेल्फ, ठीक है, यू शुड ट्राई दिस योर सेल्फ. अच्छा, अगर हम लोग और भी कुछ बात करना चाहें तो एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो यहां पे क्या होता है, स्पेसिंग बदल रहा होता है, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा, यहां पे जो फोर्स लगेगा, दोनों अलग अलग तरीके अलग अलग डायरेक्शन में होगा. तो इसके लिए कोई डिफाइंड वे में प्रॉब्लम सॉल्विंग करना डिफिकल्ट होगा, इस पर सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के चांस हो सकते हैं. ठीक है, तो जिस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होगा, हम लोग लास्ट की तरफ जब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास करेंगे तब करने वाले हैं. ठीक है, एंड की तरफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास चलेगा सब पर, पर अभी के लिए ये इस लॉजिक को दिमाग में रखो और ये एनालॉजी रखो. ठीक है, हम लोग बाकी इस पर और डिस्कशन बाद में करते हैं. दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, हम लोग और भी आगे वाले वीडियो में करते रहेंगे. कोई भी डाउट रहे कमेंट में पुट करते रहना. थैंक यू, कीप वॉचिंग.